और तुम वाले काम मत कर। उसने कुछ ऐसा किया, अब लोग कहते हैं यही कर। उत्तराखंड के छोटे शहर रुड़की में शायद मैं पहला या दूसरा मर्द था जिसने कोई लेडीज पार्लर खोला था। मेरी इस च्वाइस पर मेरे जानने वाले तो नाक भौं से कोड़ते ही थे। महिला कस्टमर्स में भी हिचकिचाहट थी। पड़ोसी तरह तरह की बातें बनाया करते और कहते कि लेडीज पार्लर तो लड़कियों का काम है, लड़कियों को मनाना, उनका विश्वास जीतना और यह बताना कि मैं भी किसी लड़की से कम अच्छा मेकअप नहीं कर सकता बहुत मुश्किल था। अगर कोई लड़की मेरे पार्लर में आती भी थी तो उनके पति, भाई या पिता मुझे देखकर उन्हें रोक देते। वो कहते, अरे यहाँ तो लड़का काम करता है, लड़कियाँ मुझसे थ्रेडिंग तक करवाने से साफ इनकार कर देती। 8x10 के कमरे में शायद एक लड़के का उनके करीब आकर काम करना उन्हें असहज करता था। सवाल मेरे जहन में भी थे, क्या लड़कियाँ मुझसे उतना खुल पाएंगी जैसे एक पार्लर वाली लड़की को अपनी पसंद नापसंद बता पाती है। घर वालों की चाहत, ऐसा नहीं कि मुझे इस सब का अंदाजा नहीं था, लेकिन जब अपने मन के काम को बिजनेस में बदलने का मौका मिला तो मैं क्यों छोड़ता। शुरुआत दरअसल कई साल पहले मेरी बहन की शादी के दौरान हुई। उसके हाथों में मेहंदी लगाई जा रही थी और वो मेहंदी लगाने वाला एक लड़का ही था। बस लड़कपन की उस शाम मेरे दिलो दिमाग में मेहंदी के वो डिजाइन रच बस गए। खून बनाना सीखा, कागज पर अपना हाथ आजमाया और फिर मैं भी छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मेहंदी लगाने लगा। कुछ दिन बाद जब घर पर इस बारे में पता चला तो खूब डांट पड़ी। पापा ने सख्त लहजे में कहा कि मैं यह लड़कियों जैसे काम क्यों कर रहा हूँ। वो चाहते थे कि मैं उन्हीं की तरह फौज में चला जाऊं, लेकिन मुझे फौज या कोई भी दूसरी नौकरी पसंद ही नहीं थी। फिर एक बार मैं एक शादी में गया और वहां मैंने औरतों के हाथों में मेहंदी लगाई जो काफी पसंद की गई। इसके एवज में मुझे 21 रुपए मिले। मेरी जीवन की ये पहली कमाई थी। मेरी माँ और भाई बहन मेरे शौक को पहचान चुके थे, लेकिन पापा को ये अब भी नागवारा था। हार कर मैं हरिद्वार में नौकरी करने लगा। सुबह 9 से 5 वाली नौकरी। सब खुश थे क्योंकि मैं मर्दों वाला काम कर रहा था, पर मेहंदी लगाने का शौक मेरे दिल के एक कोने में ही दफन होकर रह गया। रहकर एक उकसी उठती कि इस नौकरी से मुझे क्या मिल रहा है, ना तो बेहतर पैसा ना ही दिल का सुकून, एक नई शुरुआत। इस बीच लंबी बीमारी के बाद पापा चल बसे। घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी अचानक मेरे कंधों पर आ गई, लेकिन इसी जिम्मेदारी ने मेरे लिए नए रास्ते भी खोल दिए। मैं जब छुट्टी पर घर आता तो शादियों में मेहंदी लगाने चला जाता। यहाँ मेरी महीने की तनख्वाह महज 1500 रुपए थी, वहीं शादी में मेहंदी लगाने के मुझे करीब 500 रुपए तक मिल जाते थे। शायद कमाई का ही असर था कि अब परिवार वालों को मेरा मेहंदी लगाना ठीक लगने लगा था। उसी दौरान मुझे पता चला कि ऑफिस में मेरा एक साथी अपनी पत्नी के ब्यूटी पार्लर में उनकी मदद करता है और दोनों अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। मन में कौन था कि क्यों न मैं भी अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल लूं? लेकिन यह सुझाव जब मैंने अपने परिवार के सामने रखा तो एकाएक सभी की नजरों में बहुत से सवाल उठ खड़े हुए। वही लड़कियों का काम लड़कों का काम वाले सवाल पर ठान लो तो रास्ते खुल ही जाते हैं। विश्वास जीतने की लड़ाई मेरे मामा की लड़की ब्यूटी पार्लर का काम सीख रही थी। उसने वही सब मुझे सिखाना शुरू कर दिया और फिर हमने मिलकर एक पार्लर खोला। शुरुआती दिनों की चुनौतियां भी उसी की मदद से हल हुई। पार्लर में मेरे अलावा मेरी बहन यानी एक लड़की का होना महिला कस्टमर्स का विश्वास जीतने में सहायक रहा। हमने अपने छोटे से कमरे में ही पर्दे की दीवार बना दी। मेरी बहन लड़कियों की वैक्सिंग करती और मैं उनकी थ्रेडिंग और मेकअप। उम्र और अनुभव के साथ मैं अपने काम की पसंद के बारे में मेरा विश्वास और बढ़ गया था। शादी के लिए लड़की देखने गया तो उसने भी मुझसे यही सवाल किया, आखिर यह काम क्यों चुना। मेरा जवाब था, यह मेरी पसंद है, मेरी अपनी च्वाइस। उसके बाद से आज तक मेरी पत्नी ने मेरे काम पर सवाल नहीं उठाए। वैसे भी वो मुझसे 10 साल छोटी है, ज्यादा सवाल पूछती भी कैसे। शादी के बाद मैंने पत्नी को ब्यूटी पार्लर दिखाया, अपने कस्टमर और स्टाफ से भी मिलवाया। मैं चाहता था कि उनके मन में किसी तरह का कोई शक ना रहे। पिछले 13 साल में 8x10 का वो छोटा सा पार्लर 3 कमरों तक फैल चुका है। अब रिश्तेदार भी इज्जत करते हैं और मुझे ताना देने वाले मर्द अपने घर की औरतों को मेरे पार्लर में खुद छोड़कर जाते हैं।